फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल इशिका क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्लाजो में डिज़ाइन बनाना बताएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हम नीचे की साइड को डिज़ाइन डालेंगे। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ प्लाजो की कटिंग कर रखी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए, हमने नीचे की साइड को ये प्लाजो कट कर रखा है। अब हमने ये बुकरम की पट्टी ली है। इस पट्टी की जो हमने ये चौड़ाई ली है वो हमने यहाँ पे ली है 1.5 इंच, और इसकी लंबाई हमने प्लाजो के अकॉर्डिंग ली है। जितनी भी हमारे प्लाजो में घेरे उतनी ही इसकी लंबाई लेंगे। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। अब हम ये यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए एक बार और फोल्ड करेंगे और इसे हम एक बार यहाँ पर दोबारा फोल्ड कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे इसे तीन बार फोल्ड कर लिया है हमने इसे। अब इसमें हम गोलाई लगाएंगे। तो इसे एक बार हम और फोल्ड करते हुए हल्का सा, और 20 सेंटर पर हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम 20 सेंटर पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर गोलाई लगाते हुए हल्की सी हम यहाँ पर गोलाई देंगे, और बीच में थोड़ी सी ऊपर को हम बढ़ाते हुए यहाँ पर गोलाई दे देंगे इस तरह से। इसमें हम बिल्कुल गोलाई का ही शेप देंगे। इसको अब हम कट कर लेंगे। ये हमारा थोड़ा सा मोटा है इसलिए टाइट कट होगा। इसको हम कट करेंगे। देखिए, जैसा कि हमारा ये कट हो गया है, इसकी डिज़ाइन देखिए हमारी ये गोलाई शेप में आ गई है। अब हम ये कपड़े की पट्टी लेंगे। इस पट्टी पर हम अपनी डिज़ाइन रखेंगे यहाँ पर, और 1/2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए इस तरह से हम इसको सेट करेंगे, और इसके ऊपर हम इस कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। हम इस तरह से पूरे में फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। जैसे कि हमने सिलाई लगा ली है, अब जो हमारी ये राउंड बाई राउंड है, हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। इसमें पूरे में हम सीधी सिलाई लगा देंगे। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, अब हम 1/2 इंच कपड़ा ऊपर की साइड को छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे। हम 1/2 इंच छोड़ते हुए इसको कट करते हुए ले आएंगे। इसे हम पूरा इसी तरह से कट करेंगे। अब हम अपने प्लाजो का जो हमारा फ्रंट पार्ट है, हम उसको लेंगे। हम सीधे साइड को ही डिज़ाइन रखेंगे ये, ताकि हम उल्टी साइड को ही फोल्ड करें तो हमारी ये सीधी आए। इसको हम बराबर बिल्कुल सेट करेंगे। कपड़े के बराबर बराबर सेट करते हुए हम इसे रखेंगे, और जो हमारा ये राउंड राउंड है, इस पर ही हम बिल्कुल यहाँ पे अंदर को सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। इस पर हम छोटी सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। इसमें पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, इसमें हमने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब जो हमारे ये राउंड बाई राउंड है, इसको हम इस तरह से यहाँ पर कट लगा देंगे। हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जिससे हमारी डिज़ाइन सीधी आसानी से हो जाए। इस तरह से कट लगाते हुए ले आएंगे। ये हमारी प्लाजो की डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगती है। जैसे कि हमने पूरे में कट लगा दिए हैं, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। इसको 1 बाई 1 हम सीधा कर लेंगे।
जैसे कि हमारा ये सीधा हो गया है, इस पर हम आयरन कर लेंगे जिससे हमारा ये फिनिशिंग में आ जाए थोड़ा। इस पर हम आयरन करेंगे जिससे हमारा ये फिनिशिंग में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने यहाँ पर आयरन कर लिया है, तो हम जो यहाँ पर साइड से है, इस पर हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। साइड बाई साइड सिलाई लगाएंगे, फिर हम ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें हम तुरपन कर देंगे। देखिए जैसे कि हमने सिलाई लगा दी है, और ये हमारी डिजाइन देखिए कितनी अच्छी आई है। यहाँ पर ये हमारे प्लाजो में डिजाइन बहुत ही सुंदर लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स।